हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू सिद्धि पंजाब। जिवें तुसीं जानते ही हो कि अगर तुसीं पंजाब पीसीएस की प्रैपरेशन कर रहे हो तो तुहाडी प्रैपरेशन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट ने, एक तुहाडा स्टैटिक सिलेबस जिहड़ा तुसीं आपदी नॉर्मल बुक्स तो हर रोज़ प्रिपेयर करते ही हो, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट तुहाडी प्रैपरेशन का है करंट अफेयरस। तो करंट अफेयरस दोनों प्रीलिम्स ते मेन्स लई इंपॉर्टेंट हुंदे ने। इत्थे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सीधा पूछे जाते हैं करंट अफेयरस चो। इतने तुम करंट अफेयरस एज डाटा, एज एग्जाम्पल्स, एज केस स्टडीज, डिफरेंट तरीकों आपके मेन्स की आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तो फिर सिद्धी पंजाब से साडा यही एफर्ट है कि तुहाडे करंट अफेयरस की प्रैपरेशन असी कॉम्प्रीहेंसिवली करा सकीए बोथ प्रीलिम्स से मेन्स के परसपैक्टिव तो। ठीक है जी, इसीलिए असी यह करंट अफेयरस का इनिशिएटिव शुरू किया है। इतने सिर्फ तुहानू एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न असी करंट अफेयरस नहीं पढ़ा रहे, कॉम्प्रीहेंसिव टॉपिक वाइज करंट अफेयरस जिहड़े आ पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि तुसी दोनों तरीकों नाल करंट अफेयरस नू यूज करना सीख सको। ठीक है जी, चलो फिर अज थर्ड ते फोर्थ जनवरी की करंट अफेयरस की डिस्कशन शुरू करते हैं। अज जिहड़े इंपोर्टेंट टॉपिक्स है ये चार अपने पेपर लई जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है ये आप डिस्कस करांगे। पहला कुछ पंजाब की फाइनैंशियल हेल्थ पे कुछ स्कीम्स के इंपैक्ट्स पे डाटा आया है ये आप देख लांगे। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन पंजाब पे कुछ न्यूज आई सी, तो आप ये सारिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लांगे। प्रीलिम्स के परसपैक्टिव तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, फिर अगेन थर्ड डाटा आया है अनएम्पलॉयमेंट रेट पे, ये लिख लांगे आप आंसर्स यूज करांगे फिर इन्होंने, राइट। तो फाइनली इंडियन साइंस कांग्रेस इंडिया में चल रही है, तो एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन इतने पूछा जा सकता है, इसीलिए इन्हें भी आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक नाल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ पंजाब। फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ पंजाब जी काफ़ी डिग्रेड हो रही है, तो आनू पता ही है कि पंजाब ते काफ़ी डेट बर्डन या कर्जा जिन्हों आप कहने चल रहा है। इस आर्टिकल ने भी दसिया है कि ऑलरेडी 30,000 करोड़ जिहड़ा है पंजाब स्टेट गवर्नमेंट जिहड़ी है बोरो कर चुकी है। ठीक है जी, तो फिर ये आर्टिकल क्या कह रहा सी कि पंजाब दी जिहड़ी फाइनैंशियल हेल्थ है वो काफ़ी वीक ऑलरेडी चल रही है, तो जब असी फ्रीबीज या स्कीम्स एहजियां चलाने हैं जिवें कि फ्री पावर लोगों नू वंडना, यह तुहानू पता ही है कि लेटेस्ट स्कीम अपनी गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो यह फ्री पावर स्कीम जिथे 300 यूनिट्स पहले 300 यूनिट्स हाउसहोल्ड्स नू फ्री दिते जा रहे ने, एदा पूरा अगर तुसी इकनोमिक इंपैक्ट देखो तो आर्टिकल कह रहा है कि 22,000 करोड़ रुपया एसटीमेटेड है कि इस फ्री पावर की स्कीम विच लगेगा, राइट। तो फिर आर्टिकल कहता है कि तुसी खुद देखो कि जिहड़ी स्टेट बोरोइंग्स ते सरवाइव कर रही है, 30,000 करोड़ ऑलरेडी बोरो कर चुका है पंजाब, ओ स्टेट लई एहजियां स्कीम्स जिहड़ियां हैं वह फाइनैंशियली हार्मफुल प्रूव हो सकदियां ने, राइट। तो देखो ये स्कीम दे अंडर एग्रीकल्चर सैक्टर च इंडस्ट्री नू, हाउसहोल्ड्स नू, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एहजे लोगों नू पावर फ्री दिती जा रही है। तो आर्टिकल कह रहा है कि ठीक है इंटेंशन तो स्कीम दी ठीक है, बट आप इंप्लीकेशन लोंग टर्म इंप्लीकेशन भी देखना है, राइट। जे स्टेट जिहड़ी है जे स्टेट ते डेट बढ़ता ही जाएगा तो फ्यूचर च जिहड़ी स्टेट है वह काइंड ऑफ बैंकरप्ट भी हो सकती है, तो उस टाइम पर आप लोगों दी बेसिक नीड्स भी पूरियां करन तो यू नो बहुत ही डिफिकल्टी स्टेट गवर्नमेंट नू फेस करनी पैनी है। इसीलिए हुनी जिहड़ियां आप स्कीम्स या फ्रीवीज वगैरह लॉन्च करते हैं इन्हां नू रैशनलाइज किया जाए। ठीक है जी, रैशनलाइजेशन ऑफ स्कीम्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये बहुत अच्छा डाटा है, तुम यूज कर सकते हो आपके आंसर्स च, गवर्नेंस चुनू पूछ सकते हैं कि गुड गवर्नेंस क्या है या स्कीम्स च क्या इशूज आ रहे हैं गवर्नमेंट की, तो तुम यही लिख सकते हो कि अपनी स्कीम जड़ियाँ हैं वो फाइनैंशियल बैलेंस अपना जो है खराब कर सकती हैं। एग्जाम्पल लिखो लाइक द फ्री पावर स्कीम कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 22,000 करोड़ while Punjab has already borrowed 30,000 crore। तो यह जी स्कीम्स नू आपां नू रैशनलाइज करना, इन्हों की जरूरत नू देखना, इन्हों नू इकनोमिकली एफिशिएंट किवें बनाया जा सकता है, ये सब पंजाब गवर्नमेंट नू देखने की जरूरत है।
ठीक है जी, ये अच्छा डाटा है, इनू आपके को लिख के रखो, डिफरेंट वेज डिफरेंट पेपर्स तुसी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, नाउ नैक्सट इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन पंजाब। ये कुछ न्यूज़ विच सीगी, कुछ यू नो मैं इसीलिए तुहाडे सामने सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पंजाब दी दित्तियां ताकि तुसी अच्छे तरीके नाल प्रिपेयर कर सको। तो देखो टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर तुसी पंजाब च देखो तो 13 है, 12 जो है गवर्नमेंट दे अंडर ही आंदियां है, एक जिहड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह बिश्नोई कम्यूनिटी है जिहड़ी उन्हां दे प्राइवेट एरिया विच ही बनी हुई है। ठीक है, कम्यूनिटी प्राइवेट एरियाज वगैरह होंगे हैं लॉस दे विच डिफाइंड ने, ज़्यादा डिटेल दे विच जान की जरूरत नहीं है, बट एक कम्यूनिटी का एरिया है बिश्नोई कम्यूनिटी का। तो इत्थे अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिहड़ी है अपनी एस्टैबलिश्ड है पंजाब की। ठीक है जी, तो टोटल 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 12 जो है गवर्नमेंट कोल, एक जिहड़ी है बिश्नोई प्राइवेट एरिया के अंदर आती है जिहदा नाम है अबोहर। ठीक है, ये भी MCQ च पूछ सकते हैं कि केड़ी जिहड़ी है मतलब गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है या प्राइवेट एरिया पे एस्टैबलिश्ड है। ठीक है, तो फिर वो याद रखना है अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है जी, हम ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं करनी आप इन्हों बारे, जस्ट लोकेशन वगैरह का थोड़ा आइडिया कर लो तुसी, जिवें आ चार पहलिया चार जिहड़ियां वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये पटियाला डिस्ट्रिक्ट दे आसे पासे ही लोकेटेड ने। मोती बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तुहानू पता ही है, मोती बाग पैलेस भी है पटियाला विच, उहदे नाल रिलेट करके याद कर सकते हो। फिर बीर भादसो, भादसो रोड उत्थों भी जाती है, लगता है जिहड़े लोग मालवा रीजन दे उहनां नूं तां इह इहदे बारे इनफॉर्मेशन होनी है। ठीक है, तां मोती बाग सेंचुरी, भादसो सेंचुरी, गुरदयालपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ते पुनेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह पटियाला डिस्ट्रिक्ट दे विच लोकेटेड है। थोड़ी लोकेशन याद करने की कोशिश करो, होर क्वेश्चन बनना तो ज़्यादा यू नो स्पीशीज ते क्वेश्चन बन सकता है, बट ये थोड़ा यू नो लैस लाइकली है। तो थोड़ी बहुत इनफॉर्मेशन जिमें कि मोती बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डियर पार्क भी है, इस यह जी इनफॉर्मेशन थोड़ी याद करने की कोशिश करो। राइट, इस तो बाद जी अपने लिए इंपॉर्टेंट सेंचुरीज हैं, यह दो सेंचुरीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ते हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हरीके तो अनु पता ही है, रामसर साइट भी है, आप एक दो दिन पहला भी ये भी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। हरीके पतन ते हे एस्टैबलिश्ड है, हरीके पतन मतलब दो रिवर्स का कन्फ्लुएंस जिथे होंदा है, सतलुज ते ब्यास का जिथे कन्फ्लुएंस होंदा है उत्थे ये एस्टैबलिश्ड है। राइट, बेसिकली फिरोजपुर तरन तारण ते कपूरथला दे एरिया नूं इह कवर करदी आ, उहदे विच जे इह फॉल करदी है। ठीक है जी, ये रामसर साइट भी है। राइट, ते इत्थे ए मेजर स्पीशीज बर्ड स्पीशीज जिहड़े आ देखे जांदे ने। ठीक है, इन्हां दी दोनों दी डिटेल्ड इनफॉर्मेशन याद रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेंचुरीज हैं, इन्हां ते क्वेश्चन हाईली लाइकली है। ठीक है जी, उस तों बाद नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी तुसीं देखो, ये आनंदपुर साहिब तो कुछ 15 किलोमीटर ते लोकेटेड है, सतलुज सिवर रिवर दे बैंक्स ते अगैन लोकेटेड है। इत्थे ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट टाइप ट्रीज जिहड़े आ पाए जाते हैं, जिन्हां दी एग्जाम्पल्स भी तुहानूं दित्तियां गईयां ने, शीशम वगैरह। ठीक है, इहदियां डिटेल्स याद रखने की कोशिश करो, यह इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, क्वेश्चन इन्हां ते पूछा जा सकता है। बाकी सेंचुरीज की भी एटलीस्ट लोकेशन तो याद करने की कोशिश करो, और जो इनफॉर्मेशन तुसी याद कर सकते हो तो अच्छी गल है, क्वेश्चंस आंसर करन च हेल्प करेगी। ठीक है, हुन अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी भी देख लैने आ, यही है जो बिश्नोई एरिया दे अंडर है, बिश्नोई कम्यूनिटी दा प्राइवेट एरिया है, उस दे अंडर यह सेंचुरी जिहड़ी है एस्टैबलिश्ड है। राइट, इत्थे ब्लैक बक जिहड़ा एनिमल है वह बहुत फेमस है, तो क्वेश्चन इस ते भी बन सकता है, तो ये डाटा भी याद रखो। ये फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट तो कुछ किलोमीटर ते सिचुएटेड है। ठीक है, 30 बिश्नोई विलेजेस है जिहड़ी लैंड नू ओन करते हैं जिथे ये सेंचुरी लोकेटेड है। ठीक है जी, यह कुछ इनफॉर्मेशन इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बारे याद करो, बाकी भी जिहड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं थोड़ा बहुत उन्होंने बारे भी इनफॉर्मेशन याद करने की कोशिश करो, तुहानू आंसर्स लिखन च हेल्प करेगी प्रीलिम्स एग्जामीनेशन च। ठीक है जी, नैक्सट इंपॉर्टेंट डाटा कर लेने हैं, अनइंप्लॉयमेंट डाटा आया है पंजाब का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुसी आप देख किसी भी सोसाइटी के आंसर्स च, इकोनमी के आंसर्स च इहनू बड़ी अच्छी तरीके नाल याद कर सक यू नो लिख सकते हैं, सिर्फ आ टेबल याद करना है। तुसी देखो सी एम आई ई
दैट मीनस सेंटर फॉर मोनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनमी प्राइवेट लिमिटेड ने यह डाटा प्रजेंट किया है। डिफरेंट स्टेट्स अनइंप्लॉयमेंट रेट इन्हें तुहानू दसी है। तो पंजाब च कह रहा है कि अगर 100 youth ने तो उस ऑलमोस्ट 7 youth ही ने जिन्हों इंप्लॉयमेंट नहीं मिली है या जेडे अनइंप्लॉयड ने। ठीक है जी। तो पंजाब च इंप्लॉयमेंट रेट जोड़ा है ये कह रहा है 6.8% है, जिहड़ा कि बहुत घट है अगर तुसी नैशनल एवरेज देखो। पूरे इंडिया विच अगर अनइंप्लॉयमेंट रेट देखो तो 8.6% है, जबकि पंजाब च सिर्फ 6.8% है। और अगर तुसी साडी नेबर स्टेट की गल करो, हरियाणा की गल करो, तो उत्थे 37.4% अनइंप्लॉयमेंट रेट है। अनइंप्लॉयमेंट इन्नी ज़्यादा है हरियाणा दा विच, जबकि तुसी पंजाब दा देखो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। ठीक है जी। ये अच्छा डाटा है, ये टेबल सिर्फ याद करने की कोशिश करो, आंसर्स काफ़ी काम आएगा तुहानू। ठीक है। हुण ये रीज़न क्या है, रीजनस भी दसे गए आर्टिकल च कि रीजनस क्या है कि अनइंप्लॉयमेंट रेट जो है पंजाब विच ओह कंपैरेटिवली घट है। तो देखो पंजाब गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिते हैं जिदे करके अनइंप्लॉयमेंट थोड़ी घट पाई है। यह जे कुछ इनिशिएटिव्स इत्थे मैनशन ने, जिमें कि घर घर रोज़गार योजना पंजाब विच चल रही सी पुरानी गवर्नमेंट दे अंडर, जिदे अंडर रोज़गार मेलाज हुंदे सी ते यूथ उत्थे आके जो भी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल सी उन्हां नू अवेल कर सकते सी। ठीक है। तो ये स्कीम का इंपैक्ट हो रहा है। उस तो बाद हर स्टेट विच पंजाब भी अपने अनइंप्लॉयड डिस्ट्रिक्ट विच डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोज ऑफ इंप्लॉयमेंट भी एस्टैबलिश किए हुए हैं। ठीक है जी। मतलब ये डेडिकेटिड आपा इंस्टीट्यूशन एस्टैबलिश किया है जिहड़ा कि इंप्लॉयमेंट दे विच काम करन, इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करन लई काम कर रहा है हर डिस्ट्रिक्ट दे विच। तो ऑब्वियसली मतलब ये भी रिजल्ट्स शो कर रहे ने। ठीक है जी। हुण उस तो बाद इंप्लॉयमेंट डिपार्टमेंट भी डिस्ट्रिक्ट्स दे विच एस्टैबलिश किया गया है मंथली इंप्लॉयमेंट टारगेट्स दे नाल। ठीक है जी। इन्हां दा टारगेट रहिंदा है कि 13,000 कैंडिडेट्स नूं पर मंथ जॉब दिलाई जावे। ठीक है। प्राइवेट सैक्टर इंप्लॉयर नूं इंप्लॉईज नाल कनैक्ट किया जाए। ठीक है। जिहड़े प्रोस्पेक्टिव इंप्लॉयज ने। ठीक है। इसलिए इन्हां ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया है, मतलब जिन्हां नूं जॉब चाहिए है वो आपदा रिज्यूमे वगैरह अपलोड कर सकते हैं, जिहड़े प्राइवेट इंप्लॉयर्स है वो आपदी रिक्वायरमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो डिजिटली जिहड़ा है तुसी जॉब प्रोविजन्स अलाउ कर रहे हो, जिवें लिंक्डइन वगैरह हुंदा अगर तुसी यूज़ किया है। बहुत सारी वैबसाइट्स है जिथे इंप्लॉयर्स आपदी रिक्वायरमेंट्स दिंदे ने, इंप्लॉयज आपदी डिटेल्स दिंदे ने, तो सूटेबल यू नो मैच जिहड़ा है वह फाइंड आउट हुंदा है। उसी तरीके नाल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी पंजाब दे डिपार्टमेंट्स ने क्रिएट किया है। उस तो बाद पंजाब विच स्किल डेवलपमेंट मिशन भी अच्छी तरीके नाल कर रहा है, क्योंकि इंप्लॉयमेंट तभी मिलेगी अगर किसी यूथ के कोल स्किल होगी। तो सूटेबल स्किल्स भी पंजाब विच इंपार्ट कीतियां जा रही हैं ताकि यूथ नू इंप्लॉय किया जा सके। ठीक है जी। ये 4-5 जो गवर्नमेंट दे एफर्ट्स है, पंजाब गवर्नमेंट्स दे एफर्ट है, ये थोड़ा याद करन दी कोशिश करो, इन्हां नू तुसी आंसर्स च यूज़ कर सकते हो। राइट। ये बस कुछ इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल बारे तुसी याद करनी है। फाइनली लास्ट टॉपिक है अपना 108th इंडियन साइंस कांग्रेस हो रही है। ठीक है। तो इस ते प्रीलिम्स च क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सब तो पहला इंडियन साइंस कांग्रेस हुंदा क्या है, तो देखो यह एक एनुअल समिट है, तुसी कह सकते हो एनुअल मीट हुंदी है, जिथे अपनी इंडिया दे सारे प्रोमिनेंट रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स दे कम टुगेदर, दे मीट एंड दे डिस्कस। डिस्कस क्या करते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी नू किवें यूज़ करके आपा इंडिया दे सोशल ते इकोनॉमिक इशूज़ नू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपा किवें इंडिया नू अग्गे बढ़ा सकते हैं सिंपल टर्म्स विच। ठीक है जी। तो यह इंडियन साइंस कांग्रेस जिहड़ी है 1914 तो चलती आ रही है, मतलब अपनी इंडिपेंडेंस तो पहला ही अंग्रेज़ा ने यह जिहड़ी है कांग्रेस एस्टैबलिश कर दिती सी। ठीक है जी। हुण अजकल इनू इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसीएशन, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसीएशन जिहड़ी है ऑपरेट करती है। हर साल इस एसोसीएशन द्वारा यह कांग्रेस जिहड़ी ऑर्गनाइज़ की जाती है।
राइट ये जिहड़ी एसोसीएशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे अंडर आंदी है। ठीक है, भी याद रखना है, एमसीक्यूज च क्वेश्चन बन सकता है कि ये डिपार्टमेंट या यह बॉडी जिहड़ी है केड़ी ऑर्गनाइजेशन दे अंडर आंदी है, तो तुसी याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे अंडर आंदी है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 108th ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫੋਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਦ ਵਿਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਦੋ ਫੈਕਚੁਅਲ ਡਿਟੇਲਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ ਮੇਜਰਲੀ ਥੀਮ 'ਤੇ, ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਸਬਸਿਡਰੀ ਕਾਂਗਰਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ, ਚਿਲਡਰਨਸ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਤੇ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮਰਸ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਬੈਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ। ਰਾਈਟ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਤਰਫ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨਾ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੋਰ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਫੋਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।